साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान हुआ और माना गया कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती देगा और कामयाबी हासिल करेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक थे उनको लगा था कि वाकई बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के मैदान में समेट देगा भारतीय जनता पार्टी के की सीटों को और बढ़त उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसको 2014 में मिली थी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीती और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर सिमटना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट पर आ गई। अब नतीजे के बाद क्या होना था? नतीजे के बाद फौरन, ज्यादा दिन नहीं बीते, कुछ एक दिन के अंदर ही बसपा की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि हमें अब यह गठबंधन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव से उनके पारिवारिक रिश्ते बरकरार रहेंगे, निजी रिश्ते बरकरार रहेंगे, लेकिन अगले जो उपचुनाव आ रहे हैं उन विधानसभा के उपचुनाव में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। नतीजतन अखिलेश यादव को भी कहना पड़ा कि हां जी, उनकी पार्टी अब अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। मजे की बात है कि बहुजन समाज पार्टी बड़े लंबे समय से कोई उपचुनाव नहीं लड़ती है। विधानसभा उपचुनाव की बात छोड़िए, संसदीय उपचुनाव भी नहीं लड़ती है, लेकिन इस दफा मायावती जी की पार्टी उपचुनाव को भी लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, उनके नोटिफिकेशन होने से पहले। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव जी का जो कोर वोट है, यानी उनका उन्होंने सीधे नाम लेकर कहा एक जाति विशेष का, कि यादवों का वोट उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं मिला, लिहाजा उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी। जबकि कामयाबी अगर देखा जाए तो इस गठबंधन को भले कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दोनों पार्टियों की अगर तुलना की जाए तो कामयाबी वाकई बीएसपी को मिली। 0 सीट से वो 10 सीट पर पहुंच गई। 2014 में जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी तो मायावती जी की पार्टी को 0-0, एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस दफा उनको 10 सीट मिली। और समाजवादी पार्टी को 2014 के चुनाव में 5 सीट मिली थी, इस बार भी 5 सीट मिली है। दिलचस्प वाकया ये हुआ कि पिछली बार सारे उनके खानदान के लोग जीते थे, इस बार उनके खानदान यानी सैफई के खानदान के 3 लोग हार गए। अखिलेश यादव की धर्मपत्नी यानी सैफई के सबसे बड़े पुरोधा और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधु डिंपल यादव चुनाव हार गई कन्नौज से। बदायूं से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के पुत्र और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव चुनाव हार गए। 3-3 लोग चुनाव हार गए। कुल 5 सीट पाकर समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर कामयाबी को देखा जाए गठबंधन में, तो मायावती जी को कंपैरिजन तुलना में बेहतर परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन फिर भी वो ये कह रही हैं कि हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। यानी एक प्रयोग के बाद दूसरे प्रयोग को वो करना नहीं चाहती। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और दिलचस्प बात बताऊं मैं, जिन 10 सीटों पर बीएसपी जीती है उनमें 6 सीटें 2014 में वहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। अब वो कह रही हैं कि इनके वोट, इनका जो की वोट है, इनका जो मुख्य सामाजिक आधार है, उसका वोट उनको नहीं मिला। लेकिन सभी जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बीएसपी के अफजाल अंसारी जो चुनाव जीते, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो समाजवादी पार्टी के उसी कथित सामाजिक आधार का है, क्योंकि गाजीपुर में उस कथित सामाजिक आधार की आबादी
बहुत बड़ी है और उस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद उसी सामाजिक आधार के, कथित सामाजिक आधार के कुछ एक लोगों पर न केवल हमला हुआ बल्कि उसमें कईयों की हत्याएं तक की गईं, जिसको लेकर स्वयं अफजाल अंसारी नवनिर्वाचित सांसद सड़क पर आ गए आंदोलन के लिए हत्या के खिलाफ। हालांकि मायावती जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो कहने का यह मतलब है कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से आप देखें तो समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 17.96% वोट मिला, जबकि बीएसपी को 19.26% वोट मिला, जबकि दोनों लगभग समान सीटों पर लड़ रही थी। 2014 के मुकाबले जाहिर है दोनों का कंबाइंड जो वोट बैंक है, वोट परसेंटेज है, वो गिरा 42.2% 2014 में अगर कंबाइंड किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए तो वोट परसेंट होता है। इस बार 37.22% केवल वोट मिला है। ये जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों की साझा कामयाबी और साझा विफलता का एक दस्तावेज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन नाकामी का की जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी पर थोपना, उसमें भी एक कम्युनिटी पर थोपना, मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी का नाम जिसके पास है, जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, उसकी सुप्रीमो के लिए ये चकित करने वाली घटना है। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई तथ्य की बात, अब आइए विश्लेषण पर, व्याख्या पर। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने से पहले हम फिर एक बार दोहराएंगे कि समाजवादी पार्टी से अपने गठबंधन को तोड़ने का ऐलान करते हुए जब मायावती ने कहा कि बीएसपी इस बार विधानसभा के उपचुनावों को भी लड़ेगी, इसका क्या वजह है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इस लोकसभा चुनाव में सभी जानते हैं कि मायावती जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सामने आई। अनेक बार अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे गए कि आप इस चुनाव में प्रधानमंत्री का पद किसे देना चाहेंगे या आपकी प्राथमिकता किधर है। वो पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ही कोई नेता प्रधानमंत्री बनेगा। जब पत्रकारों ने बार बार उनसे पूछा कि कौन हो सकता है, तो उन्होंने लगभग साफ कर दिया कि गठबंधन की चली तो मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। संकेतों की भाषा में कहें अगर तो, बल्कि ठोस संकेतों के साथ बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की दावेदार वो हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री पद की दावेदार तो मायावती रहेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे 5 साल बाद, यानी 2017 में चुनाव हुए थे, 2021 में जब चुनाव होंगे, तो उस वक्त 21-22 में उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। अब प्रधानमंत्री पद तो मिला नहीं, तो क्या यह माना जाए कि अगले उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोंक रही हैं मायावती अभी से, और अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मानने को तैयार नहीं है? यही कारण है कि वो साथ लड़ने को तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इन विधानसभा उपचुनाव में अगर सबसे अधिक सीटें वो जीत कर आती हैं और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन विधानसभा उपचुनावों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता, एक टैक्टिकल रणनीतिक वजहों से भी, जिससे कि सपा और बसपा की दूरियां अगले विधानसभा चुनाव तक बढ़ जाएं, क्या अधिक से अधिक विधानसभा की सीटें उपचुनाव में जीतकर मायावती जी अपनी दावेदारी विधानसभा चुनाव में ठोंकना नहीं चाहेंगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और वही मुख्यमंत्री पद की अगली दावेदार बने और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें, खासकर जो ऐसे वोट आधार, ऐसे मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं या भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं। और दोस्तों, दूसरी जो वजह हो सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है और ये तथ्य विहीन नहीं है, इसके लिए ठोस तथ्य हैं। अगर आपको याद होगा तो इस चुनाव में अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं की गई थी, अभी फैसला आया नहीं था, जनादेश किसी को मालूम नहीं हुआ था, उसी दरमियान मतगणना के दिन से ठीक 2 दिन पहले अचानक सीबीआई ने
ये सीबीआई के हवाले खबर आई कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके खानदान के कई लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा वापस लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का दस्तावेज पेश किया सीबीआई ने कि वो इस मुकदमे में कोई तथ्य नहीं देखती है, कोई पड़ताल उसने कराई, पड़ताल में कोई आधार नहीं निकलता, इसलिए इस मुकदमे को खत्म किया जाए। लेकिन ऐसा कोई आदेश, हाल के कुछ ऐसे मामले हैं जो मायावती जी के खिलाफ इस सरकार की तरफ से या उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इनिशिएट किए गए थे, उन मुकदमों के बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। यानी सुश्री मायावती पर सुगर मिलों के मामले में जो मुकदमे हैं या दूसरे और मामलों में जो मुकदमे हैं वो अभी भी उनके सिर पर तलवार की तरह लटके हुए हैं। यानी मायावती जी के निजी और उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियंत्रित जो संस्थाएं हैं, जांच पड़ताल करने वाली संस्थाएं जो हैं, उनकी तरफ से तलवार लटकी हुई है। और कौन नहीं जानता दोस्तों, ये सरकार ईडी से लेकर सीबीआई, आईबी से लेकर और तमाम संस्थाओं के इस्तेमाल, बल्कि यूं कहा जाए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के खिलाफ उनका दुरुपयोग करने में इस सरकार का कोई सानी नहीं। किसी को भी ये सरकार संत और किसी को भी ये सरकार अपराधी साबित कर सकती है बहुत आराम से। तो ऐसे में दोस्तों बहुत संभव है कि मायावती जी पर एक दबाव के तहत इस गठबंधन को खत्म करने का कहीं ना कहीं से संकेत या संदेश दिया गया हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 2017 के आप विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, उत्तर प्रदेश के उन चुनाव के ऐन पहले मुलायम सिंह यादव के खानदान में जिस तरह का नाटकीय विवाद पैदा हुआ था, झगड़ा पैदा हुआ था, अखबार वालों ने, टेलीविजन वालों ने उसको बहुत रोचक ढंग से पेश किया, मानो यादव परिवार में महाभारत छिड़ गया है। लेकिन अगर आप अंदर तहखाने में घुस कर देखिए तो ऐसा लगता है कि वो किसी के निर्देश पर, किसी के आदेश पर, किसी के संदेश पर, किसी के संकेत पर वो बाकायदा नाटकीय विवाद पैदा किया गया था। क्या वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने कुछ ही समय बाद एक नई पार्टी बना ली लोकसभा के चुनाव से ऐन पहले, और उन जगहों पर उन्होंने लड़ाया चुनाव जहां समाजवादी पार्टी के तगड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खानदान की कुछ खास सीटों पर उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार जो खड़े किए थे उनको भी वापस ले लिया। कमाल की एकता, खानदान के कुछ लोगों से शिवपाल खुश और कुछ लोगों से नाखुश, ये कहां से हुआ? शिवपाल सिंह यादव को जिस तरह पसंद किया गया और भारतीय जनता पार्टी के बेहद नजदीकी इन दिनों अमर सिंह ने जिस तरह उनको पैटर्नाइज किया, क्या ये राजनीति के रिश्ते यूं ही छुपे हुए हैं? क्या इन रिश्तों से कोई बात नहीं निकलती? तो हमें लगता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर बेहद विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कह रही थी कि वो अधिक से अधिक सीटें लेगी, तो उसके लिए जरूर उसने कोई रणनीति बनाई थी। उसकी रणनीति में ये यकीनन ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत मेहनत भी की थी। पार्टी के नेताओं ने ओबीसी के और दलित समाज के अनेक तबकों में ठोस काम भी किया था, एक सेफ्रोनाइजेशन भी हुआ था अनेक ऐसी पिछड़ी और दलित जातियों का, लेकिन इसके बावजूद जो तथ्य बताते हैं, जो ठोस साक्ष्य बताते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और चुनाव में ऐसा लगता था मानो एक कोरम पूरा कर रहे हैं, एक कर्मकांड कर रहे हैं चुनावी जंग का, और चुनाव में वे हारी हुई मानसिकता के साथ सामने आए थे। वो तब चुनाव में प्रचार करने निकले, अपनी जनसभाएं तब उन्होंने शुरू की जब मोदी जी और अमित शाह जी की
न जाने कितनी दर्जनों सभाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी थी और कितनी उन्होंने चुनाव सभाएं की, कितना कैंपेन किया, आम जनता से कितना संवाद किया, अगर आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरह के नारे लगाए, उनके नारे क्या थे, क्या वो आम जनता को आकर्षित करने वाले, अपनी ओर खींचने वाले नारे थे, उनके पास क्या एजेंडा था। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये एक सुनियोजित कदम है और इसके पीछे असल कहानी है, जो लोग बसपा सुप्रीमो और सत्ताधारी भाजपा के बीच सूत्र बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके उनके हाथों में, उनके उनके दिमागों में कहीं ना कहीं कोई बात है जो इस पूरी गठबंधन की राजनीति को बिखेरने में काफ़ी सक्रिय है। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बढ़िया, इससे अच्छा माहौल क्या होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ें। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश को दोबारा जीतना बेहद आसान हो जाएगा और यही वो कदम है जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड में, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बेहतर ढंग से राज कर रही है और बेहतर ढंग से कामयाबी हासिल कर रही है। दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इस अंतर कथा पर बस इतना ही। आगे फिर हम बात करेंगे। इन शब्दों के साथ आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।